भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देख करके जाना। ये कामिनी मिश्रा बहन है जो हम सबके बीच में नहीं रही हैं। इन बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिख देना। सूरजकली बहन आती हैं रायबरेली से, उन्होंने जानकारी को ऑल इंडिया को भेजा है। अब चलते हैं अगली एक बहुत ही बड़ी खबर पर। जैसा कि आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से यह सरकारी आदेश जारी हुआ है और यहां पर आप यहां पर देख भी सकते हो 12 नवंबर को निकला था। इसमें खास बात क्या थी, इसमें था कि जनपद के अंतर्गत किराए के भवनों में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको जियो टैगिंग कराए जाने के संबंध में था और ये उन्नाव जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि जनपद उन्नाव में किराए के भवनों में कुल 270 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। किराए के भवनों में संचालित जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी जियो टैगिंग कराए जाने हेतु निदेशालय द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार कराया गया है। संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उक्त ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य अपने एंड्रॉइड फोन से किया जाना है। तो आप यहां पे देख सकते हो, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, उन्नाव में शायद ये काम करवा भी दिया गया होगा क्योंकि ये 12 नवंबर को लेटर निकला था और आज 2 दिसंबर है और काफी समय हो चुका है। नीचे इसमें और भी लिखा हुआ है कि सर्वेक्षण कार्य जो है इसके लिए जनपद उन्नाव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। सर्वेक्षण कार्य दिनांक 20 जो है नवंबर तक पूर्ण किया जाना था, तो वो हो चुका होगा मेरे ख्याल से। तो आप सब भाई बहन बताएं, आपके वहां पर भी क्या ये वाला काम करवाया गया जैसा कि जो है उन्नाव जिले में करवाया गया था, तो अन्य जिलों के बताएं, क्योंकि बहुत यह समस्त जिलों में आपको पता है किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र आपको मिल जाएंगे, तो बाकी जिलों में जो किराए वाले आंगनबाड़ी केंद्र है क्या वहां पर भी यह करवाया गया था जियो टैगिंग। अब बात करते हैं यहां पर उर्मिला बहन जो प्रयागराज से आती है, उन्होंने एक जानकारी भेजी है। इसमें लिखा है बिना परीक्षा सुपरवाइजर बनेगी 75% चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको उन्हें मिलेगा करना है सुपरवाइजर बनने का नोटिफिकेशन बेल, लेकिन आपको बता दें कड़वी उस पर जब आप दबाएंगे बहुत सी बहनें आती हैं कि जहां पर उनका 10 साल 2017 में पूरा भी हो गया था और 10 से ज्यादा भी साल पूरे हो गए थे सेवावधि के, फिर भी उनका प्रमोशन की लिस्ट में नाम नहीं आया। नाम किस बेस पर रखे गए हैं किसी बहन को पता नहीं है। तो यहां पर इस तरह की समस्याएं से काफी बहनें परेशान है और इसका अभी निराकरण नहीं हो पाया है। अब मुझे उम्मीद है कि हमारी भाई बहनें आप सब कुछ करेंगी, विभाग से जानकारी मांगेंगी और देखते हैं वो लोग इस पर क्या अपनी बात कहते हैं। यहां पे देख सकते हो 30 नवंबर को ये दैनिक जागरण में खबर भी निकली थी कि कार्यकर्ता जो बहनें हमारी आंगनबाड़ी उनका प्रमोशन होगा और 75% जो कार्यकर्ता है उनको बिना लिखित परीक्षा के सुपरवाइजर बनाया जाएगा। तो भैया ये सीधी भर्ती नहीं है, सीधी भर्ती होंगी तब परीक्षाएं कराई जाएंगी, अभी ये प्रमोशन चल रहा है तो प्रमोशन की प्रक्रिया में परीक्षाएं नहीं होती हैं। जिसमें लिखा है जिसके लिए सूची तैयार की जा रही है, जिन कार्यकर्तियों ने न्यूनतम 10 वर्ष सेवा दी है उन्हें सुपरवाइजर बनने का मौका मिलेगा। सुपरवाइजर के 3000 से अधिक पद इस समय खाली हैं ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन 3000 पदों पर भर्तियां नहीं निकली हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में जब प्रक्रिया चली थी तब आपको पता था 500 कुछ पद थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा भी होंगे तब भी 1000 के अंदर ही शायद रह जाएंगे, क्योंकि टोटल अगर 3000 पद हैं भी विभाग में तो यहां पर 50% से ज्यादा मुझे लगता है कि वो यहां पर प्रमोशन से नहीं भरेंगे। तो अब यहां पर आप सोचिएगा, तो बहुत ज्यादा पद नहीं है, अभी जो लिस्टें आई हैं उनमें से भी छटनी होनी बाकी है क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट भी बननी है, अभी केवल सत्यापन वाली लिस्टें आई हैं, मास्टर डेटा जिसको बोलते हैं, पुराने वाले डेटा से छटनी करके कुछ नाम बचे, अब इनमें फिर से छटनी होगी सत्यापन के बाद में, तो यहां पर और कम नाम रह जाएंगे। जब फाइनल लिस्ट आएगी तो आप सब बहनों को बताएंगे अंत में किन किन बहनों का उत्तर प्रदेश में सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन होगा। अब यहां पर आप देख सकती हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एसोसिएशन
जनपद रायबरेली की तरफ से 30 नवंबर को एक ये लेटर जारी किया गया है और सम्मानित जिलाधिकारी महोदय रायबरेली के हैं उनको भेजा गया है। कहा गया है कि प्रांतीय आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के ज्वलनशील समस्याओं को लेकर दिनांक आज 2 जो है दिसंबर से कामबद्ध कलमबद्ध जो अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरना प्रदर्शन करने के संबंध में। तो रायबरेली में हमारी बहने आज 2 तारीख से धरने प्रदर्शन पर बैठने वाली है। लिखा है महोदय जी अपनी सरकार से के जो है उपेक्षित जनपद की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका दिनांक 2 दिसंबर से विकास भवन प्रांगण में समय 11 बजे से 3 बजे तक प्रथम जो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर सॉरी काम बंद कलम बंद जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हड़ताल है तो वहां पर वो हो रही है। तो बोला गया कि मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर के बहने आंदोलन करेंगी और आप सब भाई बहन इसमें लिखा हुआ जिसमें माइक लाउड स्पीकर उसका प्रयोग किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भी दिया जाएगा। तो अब देखते हैं रायबरेली में शुरू हुआ जो धरना प्रदर्शन है वो कब तक चलने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है 1 दिन 2 दिन 10 दिन इतने दिनों में सरकार कभी आपकी समस्याओं पर विचार करेगी नहीं। तो अगर आपको कुछ करना है तो उत्तराखंड की बहनों की तरह करो या हरियाणा की बहनों की तरह करो या पंजाब की बहनों की तरह करो। यानी अनिश्चितकालीन का मतलब होता है यहां पर अनिश्चितकालीन, जब तक जो है हमारी मांगे ना मानी जाए। अगर धरना ही खत्म करना होगा तो फिर तमाम बार जैसे केवल जो है विभाग के साथ वार्ता के नाम पर जो झूठे आश्वासन मिलते हैं उनका पिटारा पकड़ा दिया जाता है, वही लेकर के हमारी बहनें आ जाती हैं और घर बैठ जाती हैं, फिर कहती हैं कुछ भी हुआ नहीं इस सरकार में। तो सरकारें कोई नहीं चाहती, आसानी से कोई आपका अधिकार हक जो है आपको नहीं देगा, आपको वो मांगना पड़ेगा। किसानों को ही आप ले लो, बेचारे 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल ऐसे ही जो है धरनों पर बैठे रहे, 3 साल नहीं कह सकते लेकिन हाँ 1.5 साल से ज्यादा किसान बैठे रहे। तो अब सोचिए 1.5 साल किसान बेचारा बैठा रहा, काफी किसानों की डेथ भी हो गई इसी बीच धरने प्रदर्शन में, ये सब आपको पता है। और फिर अंत में अब सरकार झुकी है, क्यों झुकी है, किसानों की ताकत से, क्योंकि जो इतने दिन से बैठा है वो आगे भी बैठा रहेगा, इसीलिए किसानों को झुकाना सरकार के बस की बात नहीं थी। चुनाव भी आ गए, अब किसान रुष्ट है, अगर नहीं मानेंगे तो वोट भी जाएगा, इस वजह से सरकार ने अपना वोट भी देखते हुए यहां पर सारे जो कृषि वाले जो बिल थे तीनों वो वापस ले लिए। अब यहां पर आप सब सोचिए कि आपको प्रदर्शन किस तरीके से करना है। इधर सहारनपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, उन्होंने 1 तारीख को अभी एक लेटर जारी किया है CDPO लोगों के लिए, जिसमें बोला है कि 2 तारीख आज है और आज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इनका जो है यहां पर जो है लिखा गया है साकुंभरी कुछ राजकीय महाविद्यालय है वहां पर शिलान्यास करने के लिए वो आ रहे हैं, वहीं पर इनका आज कार्यक्रम है। तो बोला गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समस्त सहायिका बहने सिविल ड्रेस में पहुंचना अनिवार्य है, CDPO और समस्त मुख्य सेविकाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती समस्त सहायिकाएं इनकी अटेंडेंस लेनी सुनिश्चित करें। विभिन्न विकास खंडों में तैनात जो है यहां पर आशा कार्यकर्ता शायद होंगी या जो भी हैं या जो भी हो प्रत्येक दशा में वो भी जो है 10:30 बजे यहां पर पहुंचे, यानी सॉरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आशा नहीं है। तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय इनके द्वारा शाम तक सभी की उपस्थिति चाही गई है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा इस तरह से जहां जहां यानी हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहां पर हमारी बहने जो है भीड़ जुटाने के लिए बुला ली जाती है। दूर दराज की जो कार्यकर्ती है जैसे गंगो की है, बेहट की है, नकुड़ की है, इनके लिए बोला जा रहा है कि यहां पर उनके माध्यम से जो है यहां पर बसों की व्यवस्था भी इनके लिए की जाए, क्योंकि भीड़ भैया बढ़ानी है तो गवर्नमेंट आपको जो बस भी भेज करके आपको बुलाएगा। अब एक बात ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई भीड़ बढ़ाना क्यों जरूरी है, क्यों भाई काम अच्छे करो, जनता खुद ही जानती है वोट देगी। ठीक, अब कोरोना चलता है, ऐसे में कोविड नियमों का उल्लंघन कहां तक नहीं होगा ऐसी भीड़ों में, आप सोच सकते हैं इस बात से। तो फिलहाल के लिए अब सत्ता में वही है तो जो चाहेंगे वो करेंगे। अब खंड शिक्षा अधिकारी जी अमेठी के, उन्होंने एक लेटर 1 तारीख को अभी जो है कल निकाला कार्यालय से आदेश, जिसमें बोला है शिक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए जो यहां पर अमेठी से आती हैं। ठीक, अब देखिएगा लिखा है कि ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय ECC कार्यशाला दिनांक आज 2 दिसंबर को यहां पर प्रातः 10 बजे से 4 बजे कराई जाएगी, प्राथमिक विद्यालय जहां पर लोनियापुर विकास खंड अमेठी में इसका आयोजन होने वाला है। देखिएगा सुबह का वीडियो थोड़ा लेट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इन दिनों हम काफी बिजी हैं, आप जानते हो शादी बारात का जो टाइम चल रहा है, इधर उधर पार्टी में आना जाना यही सब, इस वजह से वीडियो सुबह के लेट हो जाते हैं। लेकिन आप सब भाई बहनों परेशान मत होइए, बहुत ही जल्द आप लोगों को फिर समय से ही वीडियो मिलेंगे बिल्कुल अपने फिक्स टाइम पर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कुछ एक दिवसीय आज जो है प्रोग्राम है अमेठी में, विकास खंड भी अमेठी में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं सुबह के वीडियो में, शाम
भाइयों बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।